तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले एवेन्यू सुपर मार्ट डीमार्ट कंपनी के बारे में। डीमार्ट के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.2-0.3% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें दी थी, और इसी के साथ काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर आज एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, कल के 8-10% के फॉल के बाद आज डीमार्ट यहाँ पर हमें टोटली साइडवेज परफॉर्म करता हुआ एंड साइडवेज क्लोज भी होता हुआ देखने को मिला है। अब जो भी यहाँ पर डीमार्ट के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने में अगर मान लो डीमार्ट को बाई किया है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक उनके यहाँ पर हमें बाइंग प्राइस से, ठीक है, दैट मीन्स बाइंग प्राइस से जो उनकी खरीदारी का भाव है उससे नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो उन सबके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या करें। अगर मान लो आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो डीमार्ट को आप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो शायद से आपका SL ऑलरेडी हिट हो चुका होगा एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है, क्योंकि आज भी काउंटर कहाँ पे 4,200-250 के नीचे क्लोज हुआ है। दैट मीन्स व्यू नेगेटिव है। बट अब देखना ही है कि क्या ये जो क्लोजिंग्स है वो हमें एज इट इज़ फ्राइडे तक देखने को मिलते हैं, या फिर ये काउंटर फ्राइडे तक 4,250-4,300 के ऊपर रिकवर हो जाएगा।